हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेड इन सपोर्ट। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेरॉयड के बारे में कि स्टेरॉयड क्या होते हैं, उनके प्रकार के बारे में, फ़ायदों के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्टेरॉयड जो होते हैं वो एक प्रकार के हार्मोन होते हैं जो शरीर में स्वाभाविक रूप से बनते हैं। स्टेरॉयड दवाएं मानव निर्मित होती है और शरीर में बने प्राकृतिक हार्मोन का कृत्रिम रूप होती है। स्टेरॉयड दवाएं कई अलग अलग चिकित्सकीय स्थितियों के लिए उपयोग की जाती है। बीमारी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली स्टेरॉयड दवाओं के प्रकार को कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स कहा जाता है। पूरे विश्व में पेशेवर एथलीटों और बॉडी बिल्डर के बीच स्टेरॉयड का दुरुपयोग सबसे आम है। किशोर और वयस्क जिनको लगता है कि उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए मांसपेशियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, वे भी स्टेरॉयड का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उपयोग करते हैं जो उन स्टेरॉयड से अलग होते हैं जिनका उपयोग बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड के प्रभाव कॉर्टिकोस्टेरॉयड से बहुत अलग होते हैं। अपने बच्चों और किशोरों को स्टेरॉयड की लत से बचाने के लिए आपको स्टेरॉयड और उनके दुष्प्रभावों के बारे में तथ्यों को अच्छे से समझना आवश्यक है। और इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि स्टेरॉयड क्या है, स्टेरॉयड के कितने प्रकार हैं और स्टेरॉयड कैसे काम करता है, और इसके साथ ही स्टेरॉयड के फायदे और नुकसान के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेरॉयड क्या होते हैं। स्टेरॉयड जो है वो सिंथेटिक या मानव निर्मित ऐसी दवाएँ होती है जो शरीर में बनने वाले प्राकृतिक हार्मोन जैसे गुणों से युक्त होती है। जिन स्टेरॉयड का दुरुपयोग किया जाता है वे होते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड यानी कि AAS, और ये पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के प्रभावों जैसे ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लोग AAS का उपयोग मांसपेशियों के निर्माण या ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के स्टेरॉयड को मांसपेशियों में इंजेक्शन से या मुंह द्वारा निगल कर लिया जा सकता है। AAS और कॉर्टिकोस्टेरॉयड दोनों के उपयोग और असर में काफ़ी अंतर होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉयड को दमा या अस्थमा जैसी परिस्थितियों के इलाज में चिकित्सकीय उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। कॉर्टिकोस्टेरॉयड हमारे शरीर में पैदा होने वाले कॉर्टिजोल हार्मोन के प्रभावों की प्रतिलिपि बनाते हैं और इनमें मांसपेशियों के निर्माण या प्रदर्शन का स्तर बढ़ाने वाले प्रभाव नहीं होते हैं। इस प्रकार स्टेरॉयड के कई वेद चिकित्सा उपयोग हैं। हालांकि स्टेरॉयड लेने वाले पुरुष और महिलाएँ जो मसल्स बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं वे अवैध रूप से ऐसा करते हैं। स्टेरॉयड का उपयोग करने वाले लोग आमतौर पर मांसपेशियों की ताकत में तेजी से वृद्धि का अनुभव करते हैं। भारी वजन उठाने की इस बढ़ी हुई क्षमता के कारण मांसपेशियों की वृद्धि तेज होती है, जिसका अर्थ है कि लोग अपनी मांसपेशियों की जल्दी रिकवरी होने के कारण अधिक बार और लंबी अवधि के लिए वर्कआउट यानी कि व्यायाम कर सकते हैं। स्टेरॉयड दवाएं कई अलग अलग रूपों में ली जा सकती है, जैसे कि गोलियां, सिरप और तरल पदार्थ के रूप में जैसे कि प्रेडनिजोलोन, इनहेलर्स और नाक में डालने वाले स्प्रे के रूप में जैसे कि बेक्लोमेटाजोन और फ्लुटाइक्सोन, इंजेक्शन जोड़ों में, मांसपेशियों में या रक्तवाहिकाओं में दिए जाते हैं जैसे कि मिथाइल प्रेडनिजोलोन, क्रीम, लोशन और जेल के रूप में जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिजोन। और अधिकांश स्टेरॉयड केवल डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि कुछ क्रीम या नाक के स्प्रे मेडिकल स्टोर और कॉस्मेटिक दुकानों से खरीदे जा सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड के लिए कुछ स्लैंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि रोइड्स, गियर और ज्यूस वगैरह। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टेरॉयड के प्रकारों के बारे में। तो आमतौर पर स्टेरॉयड के रूप में जानी जाने वाली दवाओं को कॉर्टिकोस्टेरॉयड या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉयड की बात करें तो जैसे कि कॉर्टिजोन वे दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर सूजन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉयड जो हैं वो फेफड़ों की श्वास नली में सूजन और म्यूकस उत्पादन को कम करने के लिए बहुत अच्छा इलाज है। वे अन्य त्वरित राहत प्रदान करने वाली दवाओं को बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करते हैं। ये स्टेरॉयड उन हार्मोन के समान होते हैं जो आपकी एड्रिनल ग्रंथियां बीमारियों और चोटों से जुड़े तनाव से लड़ने के लिए शरीर में प्राकृतिक रूप से बनाती है। आमतौर पर एड्रिनल ग्रंथियां हर सुबह रक्त प्रवाह में कॉर्टिजोल छोड़ती है। आपका मस्तिष्क इस राशि पर नजर रखता है और एड्रिनल फंक्शन को नियंत्रित करता है, लेकिन मस्तिष्क अपने प्राकृतिक कॉर्टिजोन और स्टेरॉयड दवाओं के बीच अंतर नहीं कर सकता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टेरॉयड की उच्च खुराक लेता है तो मस्तिष्क कॉर्टिजोल उत्पादन को कम या बंद कर सकता है और इसे एड्रिनल दमन कहा जाता है। हेल्थ केयर प्रदाता आमतौर पर एड्रिनल ग्रंथियों को ठीक करने और सामान्य स्तर पर कॉर्टिजोल का उत्पादन फिर से शुरू करने देने के लिए स्टेरॉयड खुराक को धीरे धीरे कम करते हैं।
यदि आप लंबे समय तक स्टेरॉयड पर रहे हैं तो अचानक उन्हें बंद ना करें, अपने डॉक्टर के पर्चे का पालन करें। आपको कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि आर्थराइटिस, अस्थमा, ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे कि ल्यूपस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा और चकते के जैसी कुछ त्वचा की परेशानियां और कुछ प्रकार के कैंसरों में। स्टेरॉइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है और इनसे आपको कमजोर हड्डियों और मोतियाबिंद सहित कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इस वजह से आप आमतौर पर उन्हें जितना संभव हो सके उतने कम समय तक ही लें। दूसरी है एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है वो सिंथेटिक हार्मोन है जो मांसपेशियों का उत्पादन करने और मांसपेशियों के टूटने को रोकने के लिए शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कुछ एथलीट इस उम्मीद में स्टेरॉइड लेते हैं कि वे अधिक तेज गति से दौड़ने, अधिक दूर मारने, भारी वजन उठाने, अधिक ऊंचा कूदने या अधिक सहन करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। भारत में बिना डॉक्टर के किसी पर्चे के एनाबोलिक स्टेरॉइड का उपयोग करना कानून के खिलाफ है। एंड्रोस्टेनेडियोन या एंड्रो एक प्रकार का एनाबोलिक स्टेरॉइड होता है। यह उन एथलीटों द्वारा लिया जाता है जो मांसपेशियों को बनाना चाहते हैं। यह अब स्वास्थ्य को होने वाले संदिग्ध जोखिमों के कारण एक नियंत्रित पदार्थ है और केवल पर्ची द्वारा ही उपलब्ध है। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि इसका कोई महत्वपूर्ण एनाबॉलिक प्रभाव है। खेल के लिए स्टेरॉइड का उपयोग भारत में पूरी तरह से अवैध है और कुछ स्टेरॉइड दवाएं जो प्रतिबंधित हैं वे भी अवैध हैं। चूंकि यह एथलेटिक उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए बेची गई दवाओं की गुणवत्ता या उपयोग पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं होता है। अवैध स्टेरॉइड इंटरनेट के माध्यम से और अन्य अवैध दवाओं की तरह अनौपचारिक डीलरों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि वे बेईमान फार्मासिस्ट, डॉक्टरों और पशु चिकित्सकों के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकते हैं। कभी कभी डिजाइनर स्टेरॉइड को एथलीटों को डोपिंग परीक्षण पास करने में सक्षम बनाने के लिए उत्पादित किया जाता है और उनकी रचना और उपयोग पूरी तरह से अनियमित है, इसीलिए वे आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। एथलीट अक्सर अन्य एथलीटों, कोचों, वेबसाइटों या जिम गुरु से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके ट्रायल एंड एरर आधार पर स्टेरॉइड का उपभोग करते हैं और नतीजतन उनके पास अच्छी चिकित्सा संबंधी जानकारी और समर्थन तक पहुंच नहीं होती है जो इन दवाओं का उपयोग करते समय उन्हें सुरक्षित रख सकती है। अब इस तरह के किसी प्रोडक्ट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टेरॉइड जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के काम करने के तरीके के बारे में बात करें तो ये कॉर्टिजोल हार्मोन के समान ही होते हैं जो शरीर में एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा उत्पादित हार्मोन है। कॉर्टिजोल शरीर के अपने प्राकृतिक स्टेरॉइड में से एक है। जीवन और स्वस्थ रहने के लिए कॉर्टिजोल आवश्यक है। तनाव के दौरान हमारा शरीर हमें बहुत बीमार होने से बचाने के लिए अतिरिक्त कॉर्टिजोल उत्पन्न करता है। जब आपके शरीर में सामान्य रूप से उत्पादन की मात्रा से अधिक खुराक में लिया जाता है तो स्टेरॉइड रेडनेस और सूजन को कम करता है और यह अस्थमा और एक्जिमा जैसी सूजन की स्थितियों में मदद कर सकता है। स्टेरॉइड बीमारी और इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को भी कम करता है और इससे यह ऑटोइम्यून स्थितियां जैसे कि रूमेटॉइड गठिया या फिर ल्यूपस का इलाज करने में मदद कर सकता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के गलती से शरीर पर हमला करने के कारण होते हैं। उसके बाद है एनाबोलिक स्टेरॉइड के काम करने का तरीका। तो स्वाभाविक रूप से बनने वाले हार्मोन के गुणों का अनुकरण करके ये काम करते हैं। उनके पास टेस्टोस्टेरोन के ही समान रासायनिक संरचना होती है और इसीलिए वे टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर को सक्रिय करने में सक्षम है। एक बार रिसेप्टर उत्तेजित हो जाने के बाद चयापचय प्रतिक्रियाओं का एक दूरगामी प्रभाव होता है क्योंकि दवा मांसपेशियों के उत्तक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शरीर को निर्देश करती है। एनाबोलिक स्टेरॉइड आमतौर पर 6 से 12 सप्ताह की अवधि तक लिया जाता है। इसके बाद लंबी अवधि में मांसपेशियों की कोशिकाओं को बढ़ने से बंद करने के लिए उतनी ही लंबाई का एक ब्रेक लिया जाता है और इसे साइक्लिंग के रूप में जाना जाता है। विभिन्न एनाबोलिक स्टेरॉइड को अक्सर एक प्रक्रिया से आपस में मिलाया जाता है जिसे स्टैकिंग के नाम से जाना जाता है और यह मांसपेशियों के द्रव्यमान को बढ़ाने, इन्हें चर्बी रहित बनाने और मांसपेशियों की अच्छी शेप जिसे कटिंग के रूप में जाना जाता है वह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं कि स्टेरॉइड के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों अगर उनका सही मात्रा में और सही उपयोग किया जाता है तो इसके बहुत ही लाभ होते हैं। यहाँ दोनों प्रकार के हम स्टेरॉइड के फायदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सूजन को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। स्टेरॉइड अस्थमा और एक्जिमा जैसी सूजन की स्थितियों का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। यह ऑटोइम्यून स्थितियां जैसे कि रूमेटॉइड गठिया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटोसिस यानी कि SLE का इलाज करने में मदद कर सकता है। अक्सर लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि स्टेरॉइड दवा लेने के बारे में चिंता होती है। कृपया अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ स्टेरॉइड के उपयोग के बारे में चिंताओं पर अच्छे से चर्चा करें। अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को उन सभी दवाइयों और हर्बल सप्लीमेंट के बारे में बताएं जो आप वर्तमान में ले रहे हैं ताकि
यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपके द्वारा ली गई स्टेरॉइड से रिएक्शन तो नहीं करते हैं। स्टेरॉइड लेने के दौरान अपने हेल्थ केयर प्रदाता के निर्देशों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड के फायदों के बारे में, तो AAS का उपयोग करने वाले लोगों द्वारा कुछ प्रभावों का दावा किया जाता है, जैसे कि चर्बी रहित मांसपेशियों का द्रव्यमान और शक्ति बढ़ती है, भूख, ऊर्जा और प्रेरणा में वृद्धि होती है। उनके अनुसार इन्हें लेने वाले के आत्मविश्वास में भी कथित रूप से वृद्धि होती है। AAS दवाएं विभिन्न तरीकों से और विभिन्न स्तर की तीव्रता के साथ लोगों को प्रभावित करती है। हालांकि प्रतिकूल प्रभाव लंबे समय तक दवाओं का उपयोग करने से बहुत बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में फायदे से अधिक नुकसान होते हैं। जब लोग कई AAS दवाओं का एक साथ लेते हैं, यानी कि स्टैकिंग के कारण इसके उपयोग से जुड़े जोखिम और नुकसान में वृद्धि हो जाती है और इस दवाई का आमतौर पर इलाज के रूप में निर्धारित नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अवांछित साइड इफेक्ट्स इसकी खुराक और उपचार की अवधि दोनों पर निर्भर करते हैं। यदि स्टेरॉइड कम समय के लिए या कम खुराक में लिए जाते हैं तो बहुत अधिक साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वे छोटे मोटे साइड इफेक्ट का कारण बन सकते हैं, जैसे कि भूख बढ़ना, मूड में बदलाव और सोने में कठिनाई वगैरह। ये स्टेरॉइड गोलियों के साथ होने वाले सबसे आम प्रभाव होते हैं। एक बार जब आप इलाज खत्म कर लेंगे तो साइड इफेक्ट आमतौर पर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अपने डॉक्टर से बात किए बिना अपनी दवाई लेना बंद ना करें, क्योंकि यह कुछ अन्य दुष्प्रभाव का कारण भी बन सकते हैं, यानी कि दवा छोड़ने से पैदा होने वाले लक्षण उनका कारण भी बन सकता है। और अगर हम एनाबोलिक स्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट की बात करें, तो इसके उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव उत्पाद, उपयोगकर्ता की उम्र और लिंग, कितना उपयोग करते हैं और कितने समय तक करते हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं। कानूनी रूप से निर्धारित सामान्य खुराक में लेने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि मुहासे हो सकते हैं, फ्लूइड रिटेंशन की परेशानी पैदा हो सकती है, यानी कि तरल प्रतिधारण उसकी परेशानी पैदा हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द या परेशानी हो सकती है, पुरुष के स्तनों का बढ़ना जिसे गायनेकोमेस्टिया के नाम से भी जाना जाता है, रेड ब्लड सेल की संख्या में अधिक वृद्धि हो सकती है, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है और खराब LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, बालों के बढ़ने में अचानक वृद्धि या बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं, शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो सकती है और बांझपन भी हो सकता है, कामेच्छा में परिवर्तन भी हो सकता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड के गैर चिकित्सकीय उपयोग में चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशि से भी 10 से 100 गुना अधिक मात्रा शामिल हो सकती है। तो स्टेरॉइड के गलत उपयोग की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ही परेशानियां बढ़ने का खतरा हो सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर समस्याएं, सडन कार्डियक डेथ, यानी कि अगर समय पर इलाज ना मिले तो अचानक हार्ट फेल होने से मौत भी हो सकती है, और हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, लिवर की समस्याएं और ट्यूमर सहित अन्य प्रकार के नुकसान, कोलेजन के अपघटन के कारण टेंडन टूटने की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों को नुकसान, जैसे कि स्टेरॉइड उपयोग कैल्शियम और विटामिन डी के चयापचय को प्रभावित करता है, किशोरों द्वारा इसे लेने से उनके शरीर का विकास स्थायी रूप से रुक जाता है, पुरुषों में इसके उपयोग से अंडकोश का सिकुड़ना, बांझपन, बढ़े हुए स्तन वगैरह इनकी समस्या हो सकती है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र में परिवर्तन, आवाज में बदलाव, क्लाइटोरिस की लंबाई बढ़ना, चेहरे और शरीर पर बाल में वृद्धि होना, स्तनों में सिकुड़न, सेक्स ड्राइव यानी कि कामेच्छा में वृद्धि होना वगैरह। इनमें से कुछ परिवर्तन दवा के उपयोग बंद करने के बावजूद भी हमेशा के लिए बने रह सकते हैं। इसके कुछ और भी जोखिम होते हैं, जैसे कि लीवर को नुकसान, आक्रामकता और शत्रुता की भावनाएं बढ़ना, मनोदशा और चिंता संबंधी विकार, खराब व्यवहार, मनोवैज्ञानिक निर्भरता और व्यसन वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती है। जो लोग अचानक लंबे समय तक उनका उपयोग करने के बाद इसको बंद कर देते हैं, वे गंभीर अवसाद सहित बीमार होने जैसे विड्रोवल लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।